नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कमल देव राय और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना YouTube चैनल द गाजीपुर। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूं मोहम्मदाबाद तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सेमरा में और मेरे साथ हैं एक प्रगतिशील किसान जिनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं, ये कौन सी मशीन है और इसका उपयोग क्या है वो आपको बताएंगे। भैया, क्या नाम पड़ता है आपका? विजय कुमार राय। विजय कुमार राय, ये कौन सी मशीन है भैया? ये लोडर है भाई साहब। अच्छा, ये लोडर है, इसका यूज क्या होता है? ये मिट्टी एक बराबर खेत में उठाता है। अच्छा। और मिट्टी अपना कार्य में जहाँ लेना है वहाँ ले सकते हैं और खेत को बराबर करेगा। ये एक ट्राली मिट्टी लगभग कितने देर में उठा देता है? 2 से 3 मिनट में। अच्छा, 2 से 3 मिनट में ये एक ट्राली मिट्टी उठा देता है। और इसको कैसे लगाते हैं ट्रैक्टर में, कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ये ट्रैक्टर में लगता है, डबल क्लच ट्रैक्टर होनी चाहिए। अच्छा। और ला कर जैसे मिट्टी ज़्यादा चढ़ गए तो एक क्लच डबल क्लच रहेगी, तो एक क्लच को ले लेंगे तो दूसरे के क्लच से माटी लद देगा। अच्छा। और डबल क्लच नहीं रहेगा तो एक बराबर धस नहीं पाएगा, कहीं अधिक धसेगा कहीं कम धसेगा, इसलिए उसमें बाधित हो जाएगा। अच्छा। मिट्टी को टाली में बिग नहीं पाएगा। और ये ट्रैक्टर में जोड़ा कैसे जाता है और इसके और भी कुछ अन्य फीचर हो, कुछ और हट के ऐसा हो जो मुझे जानकारी ना हो, जो आप लोगों को बताना चाहेंगे, इसमें और क्या अलग है, क्या खास है? इसमें है कि खेत को गड्ढा नहीं बनाएगा, जितना आप चाहेंगे उतना ही मिट्टी उठाएगा। और ट्रैक्टर में आगे इसके डबल पट्टी में लगती है, पीछे जिस तरह से हर लगाया जाता है उसी तरह से लगता है। और लग कर धुरा से जुड़ा जाता है, धुरा इसमें जैसे थ्रेसर चलाते हैं उसी टाइप का इसके में धुरा लगता है जो मशीन को जोड़ता है। और मशीन में जो दिया है चैन वाले, वो चैन के सहारे मिट्टी ऊपर से जाकर और टाली में लगती है और खेत को एक बराबर उठाता है। अच्छा, इसकी खरीद आपने कहाँ से की थी? ये खरीद तो पंजाब से किए हैं। अच्छा, पंजाब से किए थे। क्या लागत आई थी इसको खरीदने में आपको? यहाँ आकर ये मशीन 2,15,000 की पड़ी। 2,15,000 रुपए की मशीन पड़ी। इसके ऊपर आपको सरकार से कुछ अनुदान सब्सिडी भी मिला था क्या? नहीं, सरकार से कोई सब्सिडी नहीं इस पर है। कृषि विज्ञान केंद्र के बारे में आप जानते हैं? हाँ, जानते हैं। वहाँ पे जाना होता है? हाँ हाँ। कृषि विज्ञान केंद्र आपका जिले में कहाँ पर है? गाजीपुर। अच्छा, गाजीपुर में है। ये बताइए, सब्जी की खेती वगैरह भी आप करते हैं भैया? हाँ, करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी सब्जियों की खेती करते हैं? और सब्जी खेती तो आलू का मुख्य सब्जी की खेती है, जो आलू का स्थिति है कि घूरा पर बिगने लायक हो गया है, किसान इसी तरह आलू के खेती से तबाह हैं। तो ये है हमारे ज़िले के एक प्रगतिशील किसान श्री विजय कुमार राय जी, ग्राम सेमरा के निवासी हैं। दोस्तों, खेती किसानी के ऊपर भी मेरे चैनल पे आपको वीडियोस लगातार मिलते रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बारिश